खबरों की फास्ट ट्रेन में हो जाइए सवार। 30 मिनट में देश दुनिया की हर खबर, राजनीति, अपराध, खेल से लेकर मनोरंजन जगत पर नजर। आधे घंटे में 30 बड़ी खबरें। आइए, सड़क का उद्घाटन होने जा रहा है, वहाँ नारियल तोड़ने गए लोग। नारियल टूटना शुभ होता है, ये सड़क का टूटना क्या माने हम ये बताइए आप। ये आप ये बताइए, नारियल टूटना चाहिए था कि सड़क टूटनी चाहिए थी? जोर से पटक दिया होगा। नहीं, लेकिन शुभ क्या माना जाए, नारियल टूटने का कि सड़क के टूटने का? ये तो पोल खुल गई इनकी। ये सब लोग जनता से घबराए हुए हैं, जनता का समर्थन समाजवादी पार्टी के साथ दिखाई दे रहा है, इसलिए ये इनकी भाषा बदलेगी और नेताओं का आना भी, संख्या बढ़ेगी। अभी तो कम नेता आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा और जैसे जैसे हार का डर सताएगा इन्हें, तो इनकी यात्राएं भी बहुत निकलेंगी और दिल्ली से नेता भी बहुत आएंगे, इसलिए आप तैयार रहिए। और बहुत गंदगी की भाषा बोलेंगे ये। अभी आपको अखिलेश अली जिन्ना कहा गया, केशव मौर्य ने ही ये बयान दिया है। अखिलेश अली जिन्ना, क्या हरिशंकर तिवारी से कोई मुलाकात हुई? देखिए, जो 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 समाजवादी पार्टी में आना चाहेगा, जो समाजवादी पार्टी में आना जाएगा उसका स्वागत है। मान लीजिए आज गौडमाना जनतन संदेश निकल रहा है, जनता के बीच में गौडमाना पार्टी के सदस्य लोग जाना चाहते हैं, तो पार्टी ने उनको स्वीकार किया और उनका समर्थन कर रही है पार्टी। तो जो समाजवादी पार्टी में आना चाहेगा उसका स्वागत है, उसको शामिल किया जाएगा। ये विश्व गुरु, ये पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी विश्व गुरु बनाना चाहती थी, भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। और बताइए, जो छात्र हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो नौकरी पा सकते थे, जिन्हें रोजगार मिल सकता था, आज उनके साथ नौकरी रोजगार नहीं है। यहाँ आ जाइए, राम इधर आइए, इधर आइए, कहाँ रह गए आप? आने दो, आने दो, आने दो, आने दो, आने दो, आने दो, आने दो।